लेकिन अब का सोचा था? अब हमने के कहां जाए जाएगी? इतना बड़ा दुनिया में कहीं ना कहीं ठिकाना तो मिल ही जाए, लेकिन सबसे पहले हमने के पुलिस स्टेशन चला जाए। हाँ? चलो। जी कहिए। जय हिंद सर। कंप्लेन है। बैठो। जी थैंक यू। कंप्लेन करने वाले का नाम? वीर। पता? सितला रोड मकान नंबर 64, सरोजनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर? 9321404121। कंप्लेन क्या है? सरस्वती बालिका गृह में लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। प्रणाम। आप तो ठाकुर साहब हमें भूल ही गए हैं। बकवास बंद कर, मतलब का बात कर। तो ठीक है, मतलब की बात सुनिए। एक लड़की आई है सरस्वती बालिका गृह के खिलाफ कंप्लेन लिखाने, और साथ में एक लड़का भी है। सुन। सरस्वती बालिका गृह के खिलाफ कौन रिपोर्ट लिखा चाहिए? हाँ। और लड़की के साथ क्या करे के बाद? समझ गए? विस्तार में समझाई? समझत बानी। समझदार बाड़े। आपको कैसे पता सरस्वती बालिका गृह में लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है? इन्होंने बताया, ये चश्मदीद गवाह है, और बड़ी मुश्किल से वहां से ये अपनी इज्जत बचा के भागी है। इज्जत? दूसरों की इज्जत लूटने वाली इज्जत बचा के भागी? अरे महाराज, कॉल कर रही है। कॉल गर्ल, आप भी कहा इसके चक्कर में पड़ गए हैं महाराज? दिखने में आप बड़े अच्छे घर के हैं, ज्यादा मूड करे ना तो शादी कर लीजिए। काहे घटिया लड़की के चक्कर में पड़े हैं महाराज? वो ठीक है सर, मैं आपको बोला था ना कि सरस्वती बालिका गृह में लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, ये आपको याद है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। आपसे बात करके कोई फायदा नहीं, अब मुझे ही देखना पड़ेगा। चलो रूबिका, यहां से चलते हैं। इसे कहां ले जा रहे हैं महाराज? अभी तो आपको फंसाने के चक्कर में इसको रात भर अंदर रखूंगा, FIR लिखूंगा, और थोड़ा इससे सेवा कराऊंगा। एक तो बालिका गृह से लड़की भगाया, ऊपर से पुलिस वाले पे हाथ उठाया। बहुत मोटी चमड़ी है तेरी, आज तेरी चमड़ी को मैं पतली कर दूंगा। इंसान है या पत्थर, तुझ पे मार का कोई असर नहीं हो रहा है। अबे कौन है बे तू? अपनी हालत देखकर तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं तेरा बाप ही हो सकता हूं?
इतना तो समझ गया कि तू किसी नेता का न भाई है और ना ही बेटा और ना ही किसी का साला, क्योंकि नेता लोगों के यहां मेरा आना जाना होता है। होगा है, क्योंकि सबके तलवे जो चाटते हो। नंगा करके इतना पीटा तुझे, तुझे फिर भी डर नहीं है? डर? हिमालय जैसे शान हमारे, सागर जैसे मनमाऊ जी हैं, हमें मौत सलामी देती है क्योंकि हम हिंदुस्तान के फौजी हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि तू फौजी है। तुम जैसे फौजियों से बहुत कष्ट है हमें। खुशी हुई मुझे, खुशी हुई कि तू जैसे फौजी को नंगा करके मारा हमने। तुम लोगों के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अरे वर्दी तुम लोग भी पहनते हो और हम भी पहनते हैं। गन तुम भी रखते हो और गन हम भी रखते हैं। तुम भी मरते हो और हम भी मरते हैं, लेकिन देश के सच्चे सपूत सिर्फ तुम लोगों को बोला जाता है, क्योंकि तुम्हारी वर्दी के एक एक धागे में करप्शन की लाखों गांठें पड़ी हैं। बालिका गृह में औरतों और लड़कियों पे हो रहे हर एक जुर्म तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारा जमीन उन अमीरों का गुलाम जो है, क्योंकि तुम भारत माँ के लाल नहीं, उन चंद पावर और पैसे वालों के दलाल हो। अच्छा, हम दलाल हैं? हम दलाल हैं? और तुम लोग भारत माँ के लाल हो। सारे देश की जनता जानती है कि कश्मीरी निर्दोष लोगों के साथ तुम लोग क्या करते हो, और दलाल हम हैं। नौजवानों पे जुल्म करते हो और दलाल हमें कहते हो। तुम लोग जवान नहीं, हैवान हो, हैवान। ये हिंद जिसकी हो आन बान शान, वो है जवान। हर हिंदुस्तानी जिस पे करे अभिमान, वो है जवान। जो अपने देश के लिए हो कुर्बान, वो है जवान। इतनी हिम्मत कि पुलिस वालों पे हाथ उठाया? Hey!
तुम लोग उधर जाओ। कुछ मत सोचो, अभी हमने की पनाह चाहिए। लेकिन वीर प्लीज, इधर किसी लड़के लड़की को भागते हुए देखे हैं का? अरे जनाब, मैं तो नमाज अदा कर रहा था, नहीं देखा। पर हाँ, मेरा दरवाजा खुला हुआ था, तो बेशक आप मुझसे ही तो पूछेंगे। अरे हुजूर, गलियों की खाक छानने से बेहतर है कहीं बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन पर जाकर खोजिए। भागने वाला भला किसी के घर में क्यों छुपेगा? हाँ, वो तो शहर छोड़कर भागने की कोशिश करेगा ना, और यकीन ना हो तो छोटा सा ही तो घर है। आइए खुद देख लीजिए। सर, 18 नंबर बूथ से मैसेज आया है, वैसे ही एक लड़का और लड़की को स्टेशन की तरफ भागते हुए देखा गया। ठीक है मौलवी साहब, मूव मूव। यस सर, फास्ट फास्ट। मैंने जानबूझकर पुलिस वालों से झूठ बोला, क्योंकि मुझे तुम लोगों की आंखों में सच्चाई और मजबूरी दोनों दिख रही हैं। तुम दोनों कौन हो, कहां से आए हो, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पर मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हो, और दो मोहब्बत करने वालों की मदद करना कोई गुनाह नहीं। चाचा जान, चाचा जान, चाचा। आओ मुनव्वर आओ, ये मुनव्वर है, मेरे बेटे जैसा है, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है और मेरी खिदमत भी करता है। मेरे लिए खाना लाया है मुनव्वर जी, इनके लिए भी कुछ ले आओ। जी चाचा जान, बड़े नसीब से किसी के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। आपा, आप मुझे गैर मत समझिए। तुम दोनों जब तक चाहो यहां बेखौफ रह सकते हो, यहां कोई नहीं आएगा। या मेरे खुदा, इन दोनों की मोहब्बत को सलामत रखना। आमीन।